anyone in the class who know about the segmental projector. So if you don't have any idea, so look at the projector, and here I am. I will tell you what segmental bridge is and how it is made. So segmental bridge is, the name implies that bridge which is composed of small sections, i.e. one section at one time. So we call that section a segment, different segments are combined together and segmental bridge are formed. So, इस वीडियो में अभी ये एग्जीक्यूटिव है सऊदी अरब में सेगमेंटल ब्लैकबोर्ड बन रहा है. तो इसमें सर्वे किया गया है कि ये एक जीआईएससी और जीआईएससी एक सर्वे किया गया है कि ये डिफरेंट आ रही है किधर हमारे पास सेगमेंटल ब्रिज बन गया. तो सेगमेंटल ब्रिज यूजुअली हम जब बनाते हैं तो हम साइट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं. साइट की इन्वेस्टिगेशन के बाद जिधर हमारे पास सेगमेंटल ब्रिज के पियर आते हैं तो उधर हम कंपेक्शन करते हैं. और एक होता है इंजीनियर, फाइल इंजीनियर जिसे कहते हैं, वो लोड के तहत वो फाइल डिजाइन करता है कि इस फाइल की डेप्थ एक्सीवेशन कितनी होगी, बोरिंग कितनी होगी. तो वो हम उसके लोड के तहत वो फाइल डिजाइन करते हैं और फाइल हम जो है ना कंप्लीट करते हैं. तो जैसे कि इस वीडियो में अभी आएगा कि फाइल फाइल बोरिंग किस तरह होती है और किस तरह उसको जो है ना कंप्लीट करते हैं. ये फाइल करने की मशीन है जिस तरह इसमें एक ये लगा हुआ है जिसमें ये बोरिंग करते हैं और मिनिमम हाइट जो है ना फाइल की वो है 25 मीटर. तो 25 मीटर की हम इसके बोरिंग करते हैं और इसमें हम जो है ना ये रेनफोर्समेंट डालते हैं. रेनफोर्समेंट के बाद हम इसमें जो है ना कंक्रीट पोर करते हैं. ये जो रेनफोर्समेंट डाल दिया है ये इसको फाइल कैप कहते हैं. फाइल कैप के अंदर ये हम रेनफोर्समेंट करते हैं, फाइल कैप बनता है. और सबसे और फाइल कैप के अंदर फिर हम जो है ना कंक्रीट मिक्सर से हम पोरिंग करते हैं. इसके दरमियान से हम एक पियर निकालते हैं एक कार्बन के साथ. ये अपना एक सांचा बना होता है इसके लिए. ये पियर कैप जो है ये देखिए आप सांचे से बना रहे हैं. सो ये थ्री फाइल कैप है और थ्री फाइल कैप के अंदर दरमियान से हमने थ्री पियर निकाले. तो थ्री पियर के ऊपर हमने जो है ना सांचे से एक पियर कैप बनाई. ये इस तरह आप देख सकते हो. अच्छा तो फाइल कैप के बाद हम ये टावर क्रेन है सर. तो ये टावर क्रेन है और टावर क्रेन हमने खड़े किया. ये भी स्पेसिफिक डिजाइन होते हैं किस तरह ये फाइल टावर क्रेन खड़े होते हैं और इसकी टेंशन वगैरह को निकालते हैं. तो ये मटेरियल है और मटेरियल के लिए हमारे पास एक सांचा बना होता है सेगमेंटल सेगमेंटल ब्रिज सेक्शन का. तो सेगमेंटल ब्रिज के डिफरेंट शेप होते हैं जिस तरह के हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप भी होता है और द मोस्ट रिकमेंडेड शेप ऑफ सेगमेंटल ब्रिज दैट इज ट्रायंगुलर. ये हम यूज करते हैं सेगमेंटल ब्रिज. तो इसमें हम जो है ना ये टावर क्रेन के जरिए मटेरियल को ट्रॉली के जरिए हम इधर उधर पहुंचाते हैं और एक ले लेते हैं. तो हमारे पास ये एक सांचा बना होता है. ये बेसिकली सेगमेंटल ब्रिज सेक्शन का एक सांचा है और ये इसके ट्रॉली है जो कि इधर उधर होते हैं, मूव भी होते हैं. इसमें शाख अफजार भी लगे होते हैं. एक 5 फुट सेगमेंट के ऊपर हमारे पास खर्च आ रहा है 5 फुट इंडेक्स. सो ये बहुत महंगा होता है इसलिए हम ब्रेक्स या बचाने के लिए हम इस तरह ये सांचे को बहुत डिजाइन करते हैं. इसमें शाख अफजार लगाते हैं, ये इधर उधर मूव हो जाते हैं आगे पीछे की ओर. तो फ्रेमवर्क के बाद हम जो है ना ट्रॉली के जरिए कंक्रीट और टावर क्रेन के जरिए हम इसमें सीमेंट वगैरह रखते हैं जो कि हमारे पास सेक्शन बनता है. सेक्शन के बाद जब वो सेक्शन बन जाए तो हम उस सेक्शन को ट्रक में डालते हैं किसी टावर क्रेन के जरिए और वो ट्रक वो पहुँच जाता है जिधर हम सेगमेंटल ब्रिज बनाते हैं. उसके जरिए जो है ना वो टावर कैन वो सेगमेंट उठाते हैं और ऊपर रखते हैं. तो इधर के ही कंक्रीट वर्क होते हैं कंक्रीट पंप के जरिए. तो कंक्रीट वर्क डिफरेंट टाइप से होते हैं. मिक्सर भी होता है, कंक्रीट पंप भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं. तो ये हमारे पास एक सेगमेंट बन गया. इस सेगमेंट को हमने पानी से उठा
और इसको हमने नोट किया। ये जब बनता है ये प्रीकास्ट कंक्रीट की होती है और ये हम थोड़े पासने पर बनाते हैं, इसमें प्रीस्ट्रेस कंक्रीट भी हम करते हैं और जब ये हम प्रीस्ट्रेस कंक्रीट करते हैं उसको पहुंचाते हैं तो हमें ये बात नजर आ रहा है ये होल बन होते हैं जिसमें सारे हम निकालते हैं और उसको जो है कुछ पोस्ट टेंशनिंग करते हैं हाइड्रोलिक जेल की तरह। तो ये आ गया हमारे पास इधर एक सेगमेंटल ग्रुप बन रहा है, तो ये देख सकते हो एक अभी इधर जैसे कि हमने मैकेनिक सबसाइड में पढ़ा था एक टॉपिक में डैमर्स, तो उसका यूज यह मैं आपको बताऊँ, यहाँ एक जरिए होते हैं एक डंपर यहाँ लगाए एक डंपर यहाँ लगाए, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग भी दे सकते हो कंक्रीट की नीचे भी आ रहा है ऐसा कि पैड्स बने होते हैं उसको रबर पैड्स लेकिन लगे होते हैं और ये इसका अपना एक टाइम होता है लिमिट होता है, इसलिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हम यह इंस्टॉल करते हैं इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि एनर्जी एब्जॉर्ब करें, इसका काम एनर्जी एब्जॉर्ब करना होता है, शायद हमारे पास सेंसर जब आते हैं या वेव्स आते हैं तो ये हीट जाते हैं वो एनर्जी हीट क्वेश्चन ये सेगमेंट और इसको अटैच करने के लिए हमने एक ऊपर से रिमोट ऑन करके या इसको टाइट किया, इसको टाइट करके टाइट करते हैं। इसके बाद इसके पोस्ट इंजीनियर होते हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है ऊपर से पिंक है, ये एक सेगमेंट होगा ये दूसरा सेगमेंट होगा, इसको हम अटैच करते हैं और दरमियान में से ये बार लेकर आप लोग ये एंटर करते हैं और इस बार को हम पोस्ट इंजीनियर करते हैं और ये दोनों एक जुड़ जाते हैं, इस तरह एक सेगमेंट दूसरा तीसरा तीसरा इस तरह एक पूरा टाइम बनता है। यस सर यस देखो इसको टेंडेंस कहते हैं, टेंडेंस की जो है ना हम इसके पोस्ट इंजन करते हैं और वो एक हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक जैक होता है इसके तहत हम इसको बेंच के ये देखो एक सेगमेंट बन गया, लेकिन अभी अभी ये अभी स्टार्ट कर सकते अभी हमारे पास तो ये सेक्शन बन गए हैं, ये हमारे पास एक पूरा जो है फ्लेवर बन गया है, लेकिन दरमियान में हमारे पास एक छोटी सी जगह बन गई, हमारे पास सांचा इतना नहीं होता है, सांचा जैसे कि आप लोग इतना सांचा होता है ये और हमारे पास अभी जगह ये है। तो एनीवन इन द क्लास हु कैन टेल मी व्हाट वी कैन डू दिस सर नंबर तो कट सकते हैं एब्सेंट तो लगी सकते नाम क्या चलो ठीक है अच्छा ठीक है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है हमारे पास होता है तो हम इसके अंदर रेनफोर्समेंट करते हैं, रेनफोर्समेंट के बाद हम प्राइमर डालते हैं और प्राइमर के बाद हम पंप के जरिए कंक्रीट पंप के जरिए उधर यूनिट यूनिट सस्पेंशन जॉइंट थोड़ा इस हां ये देखें आप ये इसके ऊपर ये रेनफोर्समेंट डाले हैं ये प्राइमर डाले और बोरिंग करके हमारे पास एक जेट बन गया, ये हमारे पास एक सेगमेंटल ड्राइवर बन गया है। That was a very nice presentation, and for sure you get 10 out of 10 for that. And now about, like, you said that it was a segmental bridge. Yes, sir. And what about other type of construction, like in in suspension bridges, yes, sir. Sir, it's also kind of segmental. Yeah, no, sir. Sir, in traditional way, जो हम use करते हैं sub bridge बनाते हैं, उसमें sir हम एक long span बनाते हैं, जो कि sir हमारे पास एक traditional बनते हैं। ये modern technology है जिसके तहत हम sir एक segment bridge के plan में use करते हैं। और दूसरे bridge में तो sir truss bridge होगा। ये अगर हमारे पास अगर ये कुरान चौक पर भी एक ब्रिज बना है तो वो प्रीकास्ट कंक्रीट हम फील्ड में सर वो गर्डर्स बनाते हैं लॉन्ग गर्डर बनाते हैं उसको हम ये ना वाला बनाते हैं। I was working in there was a construction going on in
airport, like the Gandhara airport. In that, they have used the same type of construction. It is like the box girder bridge. It's a box girder bridge with segmental type of construction. So why, what do you think about the shape? Like it is like this and it is hollow. Yes, sir. So is it better if it's not hollow or it's better if it's hollow? Sir, aapka question ye hai ki hum bane ya hollow bane? My question is that why is it hollow, if you have any idea? Yes, sir. Why is it hollow? It's hollow inside. Do you have any idea why? Was that meant? It's okay. Yeah, it's okay, but because sir, hollow sir, hum isliye banate hain sir ki ek to wajah hamare paas ye hai ki agar hum isko solid banaye sir to weight iski bahut zyada ho jayega. To sir hollow banaye to sir ye low weight ho jayega sir. Or sir, our maximum area, we call it exactly. That's absolutely correct.